जिन चीज़ों की ज़रूरत है इसके लिए मैं ये वाइट यार्न यूज़ कर रही हूँ मिडिल पोर्शन बनाने के, और मल्टी कलर यूज़ करूँगी इसके इर्द गिर्द बनाने के लिए। तो इसके लिए साथ हम यूज़ कर रहे हैं 4 मिलीमीटर हुक। इसलिए मैं मैजिक सर्कल बनाऊंगी। मैजिक सर्कल बनाने के लिए इसे मैं टर्न कर लूँगी फिंगर। हम एक साइड जिस पे पैरेलल साइड है उस पे काम करेंगे, इस तरह से इंसर्ट करके हुक। जो हमने ट्विस्ट किया है उस यार्न को हमने घुमा के निकाल लेना है। मैजिक सर्कल इज रेडी। अब हमने चेन वन करना है। चेन वन सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 8 सिंगल क्रोशे इस मैजिक सर्कल के अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। हम इस यार्न को खींचेंगे, क्लोज हो गया है। अब हमने पहली जो स्टिच थी, जो चेन वन और सिंगल क्रोशे की स्टिच थी ये वाली, इसमें इंसर्ट करके हो स्लिप स्टिच कर देना। चेन वन 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच पे। थर्ड स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे एंड पर आ गई हूँ। स्लिप स्टिच कर देंगे हमने जो चेन वन बनाई थी इस तरह से। और ये मेरा राउंड बन गया। राउंड नंबर 3, चेन वन सिंगल क्रोशे सेम स्टिच। दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम नेक्स्ट स्टिच पे, फिर 1 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच, 2 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच। रिपीट करना है यही चीज। 1 सिंगल क्रोशे इन वन स्टिच, 2 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट वन। एंड फिर आगे मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी अपनी पहली स्टिच पे। राउंड कंप्लीट। राउंड 4, चेन 1 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच, सिंगल क्रोशे इन नेक्स्ट स्टिच, नेक्स्ट स्टिच पे फिर 1 सिंगल क्रोशे। अब 2 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच पे। स्टिच मीन थर्ड स्टिच विल बी 2 सिंगल क्रोशे। अगेन नेक्स्ट स्टिच 1 सिंगल क्रोशे पे, फिर 1 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच, 2 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच। रिपीट करना है यही राउंड 2 टाइम्स, 1 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 टाइम 2 सिंगल क्रोशे इन 1 स्टिच। 2 दफा 1 1 सिंगल क्रोशे बनाना है और
थर्ड स्टिच पे हम दो सिंगल क्रोशे एक साथ बना लेंगे। इसी तरह राउंड कंप्लीट करेंगे हम। स्लिप स्टिच कर दें फर्स्ट स्टिच पे, यहाँ चेन वन बनाई थी। राउंड फाइव चेन वन, सिंगल क्रोशे सेम स्टिच, सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच, सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच, टू सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच। तीन दफा मैंने एक एक सिंगल क्रोशे बनाया, वन टू थ्री, और दो सिंगल क्रोशे एक साथ मैंने फोर्थ वाले में बना दिया। रिपीट दिस। एंड पर आगे सिक्स स्टिच कर दे पहले स्टिच पे राउंड के। राउंड सिक्स चेन वन, सिंगल क्रोशे सेम स्टिच, सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच, वन सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच, वन मोर सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच। चार सिंगल क्रोशे हमने बनाए हैं एक एक। उसके बाद फिफ्थ स्टिच पे हम दो सिंगल क्रोशे एक साथ बनाएंगे, वन और टू। फिर से यही रिपीट करेंगे। स्लिप स्टिच कर दें वही चेन वन पे और राउंड वन खत्म कर दें चेन वन। अब इस राउंड पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहली स्टिच पे दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन टू, और नेक्स्ट फाइव स्टिचेस पे एक एक सिंगल क्रोशे, टू थ्री फोर एंड दिस इज फाइव। नाउ टू सिंगल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टिच, और वन वन सिंगल क्रोशे नेक्स्ट फाइव स्टिचेस पे। मैं पर आ गई हूँ। स्लिप स्टिच इन द फर्स्ट स्टिच, स्टिच पे और राउंड पर एंटर दें। अब हमने इसको कट कर देना। इसी तरह का एक और बना लें और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने पर्स कैसे बनाना है। ये देखिए मैंने बना लिया है। अब हम लोगों ने पर्स बनाना है। पर्स बनाने के लिए अब मैं जो कलर यूज़ कर रही हूँ वो मैं मल्टी कलर यूज़ कर रही हूँ। आपने इनके दोनों के साइड्स जो हैं बाहर की साइड ही रहने देना है और अंदर की साइड इस तरह से यूँ हो जाएगा, यानी कि आपने दोनों को इस तरह से बनाना है। हम लोग कोई भी एक साइड पे पिक कर लेंगे इसको, लेकिन ख्याल रखना है कि जिस साइड से आप इसको पिक करें, अगर ये डबल वाली आपने साइड ली है यानी कि दो एक साथ जहाँ पे, तो फिर आप पीछे वाली भी सेम लें ताकि आपको अंदाज़ा रहे। स्टिच पे इंसर्ट कर लें हुक को और जो यार्न आपने यूज करनी है उसको बाहर निकाल लें। ब्लॉक करने के लिए इसमें से चेन बना लें। जितना आपको बड़ा पर्स चाहिए उतनी आपने चेन्स बनानी है। ठीक है, ये मैंने बना लिए हैं। ये पहली वाली स्टिच मैं काउंट नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरी पहली वाली स्टिच थी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, मैंने टेन चेन्स बना ली हैं। दूसरा पैनल हम लोग उठा लेंगे, ये देखें, और इसके बैक साइड पर ही हमने काम करना है। एक स्टिच पे आप इंसर्ट कर लें हुक, और स्लिप स्टिच कर देंगे हम। इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिए दोनों पैनल्स लाइक दिस। मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। एक और बार हम स्लिप स्टिच करेंगे टू टाइम्स। बस ये ख्याल रखना है कि जो हमारी रॉन्ग साइड है वो अंदर जाएगी और राइट साइड हमारी बाहर होगी। टर्न कर लें काम को।
अब हम लोग दो स्टिचेस लीव करेंगे, वन और ये टू, और थर्ड स्टिच से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करना है, लेकिन बैक पोस्ट पे। जो हमारी बैक चेन है उसके उसमें हमने बनाना है। ये बार बार थोड़ा सा टर्न होगा, आपने कोशिश करनी है कि आपका सीधा ही रहे और काउंट भी बिल्कुल बराबर है। मैंने 10 चेन्स ली थी और मेरी 10 ही सिंगल क्रोशे की स्टिचेस होनी चाहिए। देखिए 2, 4, 6, 8 और ये 10, ये पहला वाला मेरा स्लिप स्टिच था। उसके बाद अब मैं इसको स्किप करके नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच करूँगी, फिर नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच करूँगी, टर्न कर लें काम को, दो स्टिचेस स्किप करके 1, 2 थर्ड स्टिच से फिर से मैं बनाऊँगी और वापस उस तरफ दूसरी तरफ जाऊँगी। हमने इसी तरह बैक एंड फोर्थ करना है, इसी तरह 10 मेरी लास्ट स्टिच। ये देखिए 2, 4, 6, 8 और ये 10। अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे। मैं फिर कहूँगी कि बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि ये दोनों एक ही सीध पर हैं, एक ही साइड हो, फ्रंट साइड हमेशा बाहर हो। अब स्लिप स्टिच कर दें दो दफ़ा, मैं नेक्स्ट स्टिच पे एक स्लिप स्टिच करूँगी, फिर उसकी नेक्स्ट स्टिच पे एक स्लिप स्टिच करूँगी, टर्न कर ले काम को, उसी तरह दो स्टिचेस लीव की, थर्ड स्टिच से सिंगल क्रोशे और हमेशा बैक वाली पे, बैक लूप पे हम बनाते जाएंगे, इसी तरह बैक एंड फोर्थ करते जाएं जब तक कि आपके पास 10 से 12 स्टिचेस नहीं रह जाती, जो कि हमारे पर्स के बेसिकली ओपनिंग होगी, या जितना आपको बड़ा ओपनिंग देनी है अपने पर्स की उतनी आपने स्टिचेस लीव कर देनी है और रोक लेना अपना काम। तो ये कंप्लीट करें, फिर मैं आपको इसके नेक्स्ट स्टेप पे मिलती हूँ। ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये देखें, ये अब हम लोग बाद में इसको सुइन कर लेंगे। देखें अब हम लोगों ने इसका कवर बनाना है, और कवर बनाने के लिए हम अलग से चेन्स बनाएंगे। जैसे भी आपने स्लिप नॉट बनाना है बनाएं, जो भी आपको तरीका आता है उससे बनाकर आपने 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 1, 2 चेन्स बनाए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भले चेक कर लें, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि कम से कम ये यहाँ तक आए, क्योंकि ये पीछे से आएगा, हमारे पीछे से स्ट्रैप आएगा, तो हमें इतना चाहिए कि जब हम लोग ये बनाएं तो ये हमारा इतना है। अब मैं इसको यहाँ पर अटैच करूँगी, काउंट कर ले, मैंने 12 स्टिचेस लीव की थी यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये जो भी इसका मिडिल पॉइंट होगा, अगर मिडिल पॉइंट नहीं है तो आप जो 6th होगा उस पर आपने ज्वाइन कर लेना, ये मेरा 6th है, यहाँ से काउंट कर लें उसको, मैं ज्वाइन कर रही हूँ यहाँ पे। 1, टर्न कर लें काम को। अब हमने दो चेन्स लीव करनी है और थर्ड चेन से हमने सिंगल क्रोशे बनाना शुरू करना है। मैंने क्योंकि 10 चेन्स ली हैं तो मैंने 10 सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं। ये मेरा 10th लास्ट है।
अब इसी सेम स्टिच पे यहीं पर मैं चार और सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, यानी कि मेरे टोटल एक जगह पे पांच बन जाएंगे। अब ये हमारा घूम गया। अब हमने रिटर्न वापस जाना है तो 9 हमारी स्टिचेस बननी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मेरी 9। तो मैंने अब रिटर्न करना है और ये मेरी स्टिच का ये देखिए नीचे का हिस्सा है, इस पे मैंने इंसर्ट करके हुक अब वापस जाना है और 9 ही सिंगल क्रोशे मेरे बनेंगे एंड तक। मेरा 9th आखिरी बन गया। अब मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी, ये मेरी देखें पहली स्टिच है यहाँ से, और फिर अगेन हम स्लिप स्टिच करेंगे, टर्न कर ले काम को। अब हम दो स्टिचेस लीव करके ये देखें और थर्ड स्टिच से जो हमारी पहली स्टिच होगी बेसिकली इसकी पूरी स्टिच लेंगे हम, हमने बैक पोस्ट नहीं बनाना, हमने पूरी स्टिच लेनी है। 9 स्टिचेस पे हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फाइव सिक्स सेवन एट उसके बाद ये मेरी अब 5 स्टिचेस स्टार्ट हो गई हैं जो मैंने एक चेन में बनाई थी। पहली स्टिच पे मैं 2 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, नेक्स्ट स्टिच पे 1, उसकी नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1, यानी ऑल्टरनेटिव हमने बनाया है। और लास्ट जो मेरी स्टिच है 5th स्टिच जो होगी बेसिकली उस पर फिर से 2 सिंगल क्रोशे। अब ये मेरी देखिए 9 रह गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मेरी 9, तो इसमें हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हमने स्लिप स्टिच करना है नेक्स्ट स्टिच पे और फिर एक और स्लिप स्टिच करना है उसकी नेक्स्ट स्टिच पे, जैसे हम बेसिकली इस पे कर रहे थे उसी तरह इस पे करेंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हम लोग उसमें जो हमने ये कॉर्नर्स बनाए हैं ये हमने बैक पोस्ट पे बना रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग पूरी स्टिचेस लेंगे। टर्न कर लें काम को, 2 स्टिचेस लीव की, 3rd स्टिच बेसिकली हमारी पहली स्टिच है, 9 स्टिचेस पे वही सिंगल क्रोशे एक एक, नेक्स्ट स्टिच पे हम 2 बनाएंगे एक ही जगह पे, फिर हम 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब नेक्स्ट स्टिच पे हमने 2 एक साथ बना लेने, अब हमने 9 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, मतलब ये एक एक सिंगल क्रोशे 9 स्टिचेस पे। और ये मेरा लास्ट। अब हमने स्लिप स्टिच करना है नेक्स्ट स्टिच पे और स्लिप स्टिच करना है उसकी नेक्स्ट स्टिच पे, टर्न कर ले काम को, वही 2 स्टिचेस लीव की और फिर से 9 हम स्टिचेस बनाएंगे। ये हमारी 9 हो गई है। अब हमने नेक्स्ट स्टिच पे 2 एक साथ बनानी है।
उसके बाद 8 स्टिचेस पे एक एक। अब 9th जो हमारी स्टिच है वो बेसिकली दो एक साथ। अब वही रिमेनिंग हमारी 9 रह गई है, 2, 4, 6, 8 और 9, इस पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। हो गई उसी तरह अगेन स्लिप स्टिच ट्वाइस, टर्न कर ले काम को, फिर से 2 स्टिचेस लीव की, नेक्स्ट 9 स्टिचेस पे एक एक सिंगल क्रोशे, 9 हो गई। नेक्स्ट स्टिच पे हमने 2 एक साथ बनानी है। अब 10 स्टिचेस हमने लास्ट रो पे 8 बनाई थी, अब 10 स्टिचेस पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हम बेसिकली कॉर्नर्स इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे से मुंह को भी बढ़ाना है। टेन अब मैं नेक्स्ट स्टिच पे 2 एक साथ बना दूंगी। अब मेरी रिमेनिंग 9 रह गई हैं, तो 9 पे वही एक एक बनाते जाए। होगी ये देखिए 2 रह गए बस, एक स्लिप स्टिच किया और ये मेरा लास्ट, बेसिकली ये सेकंड लास्ट मेरा रो होगा। सॉरी मैं वापस आऊंगी फिर से, टर्न कर लें, वही 2 स्टिचेस लीव करके 3rd स्टिच से हमने बनाना। और ये जो हमारा रो है इस पे हम कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, हम इसी तरह बनाते जाएंगे, कोई इंक्रीज नहीं होगा। मैं एंड पर आ गई हूँ, वही देखिए मेरे 2 रह गए इस साइड पे भी। इस तरह से स्लिप स्टिच करा, टर्न करने काम को, अब हम लोग रिटर्न जाएंगे वापस दूसरी तरफ और उसी तरह से 2nd स्टिच पे से वापस जा रहे हैं, लेकिन हमने कोई इंक्रीज नहीं करना इस राउंड में भी, इसी तरह जाएगा ये राउंड भी। इसी के साथ ये देखिए मेरा एंड हो गया। अब मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी सेम स्पेस पे इस राउंड को एंड करने के लिए, और चेन वन करके इसको हम कट कर देंगे। इसको सू इन कर देंगे। अब ये देखें, ये इस तरह से बन जाएगा। अब आप इस पे बटन यहाँ लगा सकते हैं जो ये क्लिप्ड होता है, मैं आपको वो लगा के इसका लुक दिखाऊंगी। इस तरह से ये ओपन होगा, सारे सो इन करें आप जब तक। ये देखिए इस तरह से अंदर बेंड हो रहा है दिखाने के लिए। मैं आपको अब उस पर अपना मैंने स्ट्रैप बनाया हुआ है, मैं आपको स्ट्रैप बना लगा कर दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। स्ट्रैप की वीडियो आपको मेरे ही चैनल पर मिल चुकी होगी, इससे पहले की वीडियो मैंने स्ट्रैप की बनाई थी, तो वो आप चेक कर लें। उसमें मैंने स्ट्रैप बनाना सिखाया हुआ है कि किस तरह से पर्स का स्ट्रैप बनता है। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने अपना पर्स कंप्लीट कर लिया है, देखे ये मेरा कंप्लीट है, मैंने लगा दिया। और ये भी, ये इसकी लेंथ भी आप पे डिपेंड करती है कि अगर आपने इसको बड़ा और लेंथ देनी है तो ये आप दे सकते हैं। आई होप आपको ये मिनी पाउच पसंद आया होगा इसका ट्यूटोरियल। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं फिर आऊँगी
एक नए ट्यूटोरियल लेके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।